वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का साउथ मोइनस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी अमेजिंग मूवीज़ आप सभी को देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ रुला देने वाली साउथ की ऐसी टॉप 10 बेस्ट लव स्टोरी फिल्मों के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप सभी को लव स्टोरी, प्योरली लव स्टोरी वाली साउथ की फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको ऐसी 10 बड़ी अमेजिंग लव स्टोरी फिल्में देखने को मिलेगी। ये सभी की सभी मूवीज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप इन सभी फिल्मों को डायरेक्ट यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी अमेजिंग एंड मज़ेदार ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो इसलिए मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है वीडियो को बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक, एंड अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर और आगे चलकर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को डेफिनेटली सपोर्ट करिएगा। इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर एक पर मूवी आती है मली मली चूसा, जो कि 2019 में रिलीज बेस्ट रोमांटिक ड्रामा लव स्टोरी कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में अनुराग, सोहिता एंड कलावरी इस मूवी के जिस रगास में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को एक बेस्ट रोमांटिक लव स्टोरी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो इस फिल्म को डेफिनेटली देखिएगा। इस फिल्म के अंदर आप सभी को एक काफ़ी अच्छी लव स्टोरी फिल्में देखने को मिलेगी, तो इस फिल्म को डेफिनेटली वॉच करिएगा, मूवी काफ़ी अमेजिंग है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 5 out of 10 की रेटिंग मिली थी। एंड ये मूवी ऑडियंस एंड क्रिटिक्स की तरफ से मिला जुला रिस्पॉन्ड मिली थी। अगर बात करें इस मूवी की हिंदी वर्जन टाइटल की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर वर्जन का टाइटल का नाम रखा था करक। तो ये यूट्यूब पर अभी ऑफिशियली अवेलेबल हो चुका है, तो मूवी को देखना चाहते तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। नंबर दो पर मूवी आती है झाड़ू गारू, जो कि 2015 में रिलीज एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा लव स्टोरी मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में नागासोरिया, सोनारिका, अनिस इस मूवी के लिस्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को बेस्ट रोमांटिक लव स्टोरी, साथ ही साथ उसके साथ अगर आप लोग एक अच्छी एक्शन देखना चाहते हैं, तो इस फिल्म को डेफिनेटली देखिएगा। इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी अच्छी रोमांटिक लव स्टोरी एंड एक्शन भी देखने को मिलेगी, मूवी काफ़ी अमेजिंग है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 4.9 out of 10 की रेटिंग मिली थी। एंड ये मूवी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, और इस मूवी के अंदर वर्जन का टाइटल का नाम रखा था फोर ट्यूनर। तो ये वीडियो पर अभी अनऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है, मूवी को देखना चाहते तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। नंबर तीन पर मूवी आती है 100 Days of Love, जो कि 2015 में रिलीज एक रोमांटिक ड्रामा लव स्टोरी मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में दिलकर सलमान, नितिया मैनन, शेखर इस मूवी के लिए शगास में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को बेस्ट वाली लव स्टोरी देखना चाहते हैं, इस फिल्म को डेफिनेटली देखिएगा, ये मूवी आपको सच में रुला देगी, मूवी काफ़ी अमेजिंग है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 6.6 out of 10 की रेटिंग मिली थी। एंड ये मूवी ऑडियंस एंड क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्ड मिली थी, और इसमें को सेम नाम से ही डब करवाया गया था। ये मूवी यूट्यूब पर अभी ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है, तो फिल्म को देखना चाहते तो फिल्म का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पर। नंबर चार पर मूवी आती है रामा अर्जुना, जो कि 2021 में रिलीज एक एक्शन बेस्ट रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी लव स्टोरी मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में है अनिस, तेजस्वर, नविका इस मूवी के जिस में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को बेस्ट वाली एक्शन के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी रोमांटिक लव स्टोरी देखना चाहते हैं, इस फिल्म को डेफिनेटली देखिएगा, ये मूवी आपको एक नेक्स्ट लेवल की फील देगी। अगर बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 8.3 out of 10 की रेटिंग मिली थी। एंड ये मूवी ऑडियंस एंड क्रिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, और इसमें को सेम नाम से ही डब करवाएगा। ये यूट्यूब पर अभी ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है, तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। नंबर पाँच पर मूवी आती है अमेरिकन बॉर्न कन्फ्यूज देसी, जो कि 2019 में रिलीज एक बेस्ट कॉमेडी रोमांटिक लव स्टोरी मूवी थी। इस मूवी के लिए रोल में अल्लू श्रीज, रुखसार,
मास्टर भरत इस मूवी के लीजर कास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को एक बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को डेफिनेटली देखिएगा। इस फिल्म के अंदर आप सभी को एक नेक्स्ट लेवल की कॉमेडी के साथ एक लव स्टोरी भी काफ़ी देखने को मिलेगी, तो फिल्म को डेफिनेटली देखिएगा, मूवी काफ़ी अच्छी है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग ली थी एंड ये मूवी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और इसमें को सेम नाम से डब करवाई गई। ये यूट्यूब पर अभी अनऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है लेकिन किसी भी टाइम डिलीट हो सकती है, तो जितना जल्दी हो सके जाकर वॉच कर लीजिएगा फिल्म को। तो फिल्म का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। नंबर छः पर मूवी आती है राजदूत, जो कि 2019 में रिलीज एक बेस्ट एक्शन रोमांटिक कॉमेडी लव स्टोरी मूवी थी। इस मूवी के लिए रोल में है मेगा मेस श्री एन रक्षत्रा बाबू। इस मूवी के लिस्ट कास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को एक कमाल की लव स्टोरी रोमांटिक देखना चाहते हैं तो फिल्म को डेफिनेटली देखिएगा, ये मूवी आपको एक नेक्स्ट लेवल की फील देगी, तो मूवी को वॉच करिएगा ज़रूर। अगर बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी। स्पेशली इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से कमाल की रिस्पॉन्ड मिली थी, तो फिल्म को डेफिनेटली वॉच करिएगा। और इस मूवी के अंदर वर्जन का डायलॉग का नाम रखा है राजा की राजदूत। तो ये मीडियो पर अभी ऑफिशियली अवेलेबल हो चुका है, तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पर। नंबर सात पर मूवी आती है साहिबा, जो कि 2017 में रिलीज एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में है मनोराज शिवानी एंड बुलेट। इस मूवी के लिस्ट आगाज में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप सभी को बेस्ट कमाल की रोमांटिक वाली फिल्म देखना पसंद करते हैं, इस फिल्म को डेफिनेटली देखिएगा, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी एंड इसमें को सेम नाम से ही डब करवाएगा। ये मूवी पर अभी ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है, तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। अगर बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली, तो फिल्म को देखना चाहते तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पर। ये एक्सप्रेस राजा, जो कि 2016 में रिलीज एक बेस्ट रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी एक्शन मूवी थी। इस मूवी के लिए रोल में सर्वानंदम सुरभि संपत गिरी। इस मूवी के दिशा में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को एक कमाल की रोमांटिक कमाल की लव स्टोरी कॉमेडी एंड एक्शन देखना चाहते हैं इस फिल्म को डेफिनेटली वॉच करिएगा, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अगर बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 7 out of 10 की रेटिंग मिली थी एंड ये मूवी ऑडियंस एंड क्रिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और इसमें को सेम नाम से ही डब करवाएगा था। ये यूट्यूब पर अभी अनऑफिशियली अवेलेबल हो चुका है, तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। नंबर नौ पर मूवी आती है वेदाना, जो कि 2018 में रिलीज एक बेस्ट रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में नेहा देशपांडे शिव एंड इस मूवी के लिस्ट कास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को बेस्ट कमाल की रोमांटिक कॉमेडी लव स्टोरी देखना चाहते तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन करेगी। अगर बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी और इस मूवी को सेम नाम से ही डब करवाएगा। ये यूट्यूब पर अभी अनऑफिशियली अवेलेबल हो चुका है लेकिन किसी भी टाइम यूट्यूब से डिलीट हो सकती है, तो आप जितना जल्दी हो सकर जाकर इस फिल्म को वॉच कर लीजिएगा, तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। नंबर दस पर मूवी आती है नर्तनशाला, जो कि 2018 में रिलीज एक रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में नगा सूर्या यामिनी भास्कर एंड प्रकाश। इस मूवी के लिस्ट आगाज में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को बेस्ट रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को डेफिनेटली देखिएगा, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अगर बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 3.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी एंड ये मूवी ऑडियंस एंड क्रिटिक्स की तरफ से मिला जुला कर रिस्पॉन्ड मिली थी। अगर बात करें इस मूवी की हिंदी वर्जन टाइटल की, तो दोस्तों इस मूवी के सेम नाम से ही डब करवाया गया था। ये मूवी पर अभी ऑफिशियली अवेलेबल हो चुका है, तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। अगर आप चाहते हैं इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर भी जाकर इस फिल्म को वॉच कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के हमारा वीडियो यही तक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।